वालेकुम, आई समिकिचन में आपका स्वागत है। आज हम फ्रेंच फ्राइज़ बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने आलू लिए हैं। मैंने 4 आलू लिए हैं। इसके फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के आलू अलग से भी आते हैं, हमारे पास जो अवेलेबल थे हमने वो लिए। अब हम इसको कट करके आपको बताते हैं। देखिए, हमने इस तरह कट कर लिया। बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं करना। हम इसको पानी में डालते जाएंगे। ये देखिए, पानी में डाल दें। इसी तरह ये भी कट कर लेंगे हम। देखिए, हमने ये सारे आलू कट कर लिए, और जो आइट साइड के थे छोटे छोटे वो हमने इस तरह अलग कर लिए, ताकि इसको अलग फ्राई कर लेंगे। अभी हम सारे आलू को 3 पानी से वॉश करेंगे, ताकि सारा इसका स्टार्च निकल जाए, और 15 मिनट के लिए हम इसको भिगो के रखेंगे। पानी हमारा बॉईल होने आया है, हमने बॉईल करने रखा था, बॉईल होने आया है। अब हम इसमें आलू हमने 3 पानी से अच्छे से वॉश करके इसमें डाल रहे हैं। हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। आलू में हमारा बॉईल आ चुका है, तो हम इसे 2 मिनट के लिए बॉईल करके फ्लेम इसकी ऑफ करके बाहर निकाल लेंगे। हमारे 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे पानी से बाहर निकालेंगे, स्ट्रेनर में डाल देंगे। हमने इसका फ्लेम ऑफ कर लिया, हम इसे 15 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। अब हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तेल हमने गर्म करने रख दिया। तेल हमारा ठंडा, थोड़ा हल्का सा गर्म हुआ, ज़्यादा नहीं। अब हम इसमें डाल देंगे। दो बार करके इसको फ्राई करेंगे। देखिए, इसको हमने हल्का फ्राई करा, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। हम इसको भी इसमें डाल देंगे, ताकि हमारा एक्स्ट्रा ऑयल है जो बाहर निकल जाए। इसको भी हम 15 मिनट के लिए ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। इसी तरह हम हमारे दूसरे बैच के भी डाल देंगे इसके अंदर। हमें बहुत ध्यान से काम करना है, ऑयल है, गरम ऑयल धीरे धीरे डालना है इसके अंदर। हमें हाथ से हिलाएंगे।
तो हमारे दूसरा बैच भी बाहर निकाल देंगे। पंद्रह मिनट के लिए हम इसको पंखे में ठंडा कर लेंगे। हमारा गर्म हो चुका है, तो इसमें आलू डाल के डबल फ्राई कर लेंगे। फर्स्ट टाइम जब हम तलेंगे फ्राई करेंगे फर्स्ट टाइम में, तो हमें तेल बहुत कम गर्म करके उसमें डाल के फ्राई करना। सेकंड टाइम में हमें तेल अच्छा गर्म करके आलू डाल के फ्राई करना। देखिए हमारे फ्राई हो चुके गोल्डन, अब हम इसे बाहर निकालें। देखिए हमारे फ्राई हो चुके हैं, हवा से पता चल। हमारे इसी तरह सारे तल लेंगे। अभी यहाँ व्हाइट नहीं डालूंगा, वही रंग बस। देखिए हमारे फ्रेंच फ्राइज तैयार है, खाने में भी अच्छे हैं, टूट रहे हैं बराबर, अच्छे बढ़िया क्रंची बने हैं। इसमें हम नमक डालेंगे ऊपर से, आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जिसके साथ चाहें आप खा सकते हैं। आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, फर्स्ट टाइम वॉच करें तो सब्सक्राइब करें, और पास में बेल का जो बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमें अपनी दुआओं में शामिल करें। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दिखाई थी ना।